हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम ठीक है। और आज लास्ट डे यहाँ मेरा, क्योंकि कल हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, मायके से चले जाएंगे अपने ससुराल। आज बहुत सारा काम भी है करना है। अभी सुबह के 8:30 हो गया है। हाँ नहीं, 8:30 बजे मैं उठी थी, लेकिन अभी 9 बज गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चाय वाय पी लिया है, आयल को भी उठा दिया, आयल ब्रश कर लिया। आफरीन अभी सो रही है, उसको भी उठाऊंगी। और मार्केट जाना है यहाँ का, क्योंकि मेरी अम्मी भेज रही है, रमज़ान के बाद ईद आएगा सामने, तो उसके ईद में नहीं तो नहीं आ पाएंगे यहाँ, तो इसीलिए मेरी अम्मी बोल रही दोनों को कपड़ा दिलाएंगे, जाके दोनों का कपड़ा लेके आओ। तो मैं वही जाऊंगी मार्केट अभी, बट एक और काम भी कर रही हूँ मैं अपना, वो थोड़ा देर बाद आपको दिखाऊंगी क्या कर। अभी घर में कोई नहीं है मेरी अम्मी और नानियाँ के लिए। इस भाभी का भी मायके गई है 2 दिन के लिए, भाभी आ जाएगी आज शाम को शायद आ जाएगी, कल हम चले जाएंगे यहाँ से। मेरी जो बहन लोग है वो मतलब हमसे पहले आई थी यहाँ। बड़ा उर्स होता है, जैसे कि आप सबको पता, फुरफुरा शरीफ में मेरा ये मायके है, इनका एक उर्स होता है 3 दिन का जो उर्स होता है, उसमें मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा आयल का एग्ज़ाम चल रहा था इस वजह से। तो फिर मेरी बहन लोग जो है तो वो 3 दिन का उर्स में आई थी। आप सबसे भी यही कहूँगी, आप जो भी भाभी हो, ननद हो, सब मिल के रहा करो, क्योंकि आप अगर मायके जाती हो भाभी का हेल्प कर दिया करो, क्योंकि एक आदमी के लिए सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप अगर हेल्प करोगे, बात करते करते हेल्प हो जाएगा और अच्छा रिलेशन भी रहेगा। तो ये देख सकते हो, आफरीन अभी सो रही है, उसको उठाएंगे। कोई अड्डा भी कहते हैं कि पूरा बन जाएगा, आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये अपना घर के लिए लेके जाऊंगी ये जो अड्डा बनाया है, कि मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है जो कि मुझे काम करना है, इस वजह से मैंने इसको बनाया है। और कल का जो वीडियो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जब सुबह उठ के देखती हूँ कोई वीडियो पिछले दिन का अपलोड किया हुआ, आप लोग इतना प्यार दिया, तब वीडियो बनाने का मन और भी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, तब अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आ पाऊँगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। देख, रमज़ान का शॉपिंग तो कुछ नहीं किया, घर जाके कुछ करेंगे, कुछ डेकोरेशन वगैरह करेंगे घर जाके कल। तो अभी यहाँ विलेज का मार्केट देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा होता है विलेज का मार्केट, और कुछ खरीदते हैं। चलिए ईद का शॉपिंग स्टार्ट समझ लीजिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं। ईद हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आती है। ईद में मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मेरे ससुराल में रहती हूँ, तो वही ईद मनाती हूँ। मेरी अम्मी का भी कुछ सामान है, मेरे भाई लोग यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इस वजह से घर में कोई लड़का नहीं है मार्केटिंग करने का। तो फल वगैरह रमज़ान के लिए भी थोड़ा बहुत ले लेना है। तो चलिए, तो अभी मैं मार्केट आ गई हूँ और सबसे पहले फ्रूट्स की शॉप पे आ गई हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट्स मिल जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़ों के शॉप पे, और अभी मैं आहिल के लिए जीन्स देख रही थी। यहाँ पे मुझे खास पसंद नहीं आया, तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया, दूसरे शॉप में चले गए। यहाँ पे कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर दूसरा शॉप में गए, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन देखा जो कि, और इस वाली शॉप से मैंने सारा शॉपिंग कर लिया था। और आफरीन को ये फ्रॉक इतना ज़्यादा पसंद आई, बिल्डिंग कराने के लिए भी नहीं दे रही थी, तो उसमें लेके आई हो फ्रूट, ये सब फ्रूट है।
ड्रेस, इसका है अभी नहीं दिखाऊंगी खोल के, उसको पिंक कलर पसंद है इसीलिए वो पिंक कलर का फ्रॉक लूंगी। ये मेरी मम्मी का साड़ी है, और ये मेरी अम्मी का साड़ी है येलो कलर का, मस्टर्ड येलो कलर का। ये अलका कुर्ता पजामा लिया है, और जीन्स, दो टी शर्ट लिया है, और बस यही है। मार्केट से आके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, मेरी अम्मी ने मछली का सालन बना के रखी थी और मैंने खाना खा लिया, मीठा अचार थोड़ा सा लेके, मैंगो का मीठा अचार था। अभी दोनों को नहला दिया है, हम भी खाना खा लिया लेकिन नहाया नहीं, अब जाके नहाएंगे। अभी दोनों को पहले खाना खिला दे, आयल को मछली बहुत पसंद है, आज मछली बना है, तो बोला कि जल्दी जल्दी मम्मी खाना खिलाएगी। अभी जस्ट मैंने नहा लिया है और खाना तो आके ही खा लिया था, मार्केट से आके ही भूख लग गया था, बहुत तेज़ खाना खा लिया था। और अफरीन आयल को भी नहलाया, उस दोनों को भी खाना खिलाया, फिर नानी को भी खाना खिलाया, और उसके बाद जा गया कपड़ा वपड़ा धो कर डाल दिया है, और अब चलते हैं नीचे। फिर इसको ऐसे कौन कौन रखा मोड़ के, बार बार देखना ज़रूरी है कपड़ा। हाँ अब मैं आ गई हूँ नीचे और कुछ काम करूँगी, क्या है वो ये देखिए, ये मैं अपना ड्रेस बना रही हूँ। सो कमेंट करके बोलना गाइस कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, ठीक है? अगर आप भी बन को इधर दिखा, हाँ वेरी गुड। ये हम कितना, हम जब 10 ईयर्स के थे उस टाइम हम करते थे ये काम, तो उस टाइम से आता है, पता है हमको ये काम अच्छा लगता है, हमको सब अच्छा लगता है, सिलाई करना अच्छा लगता है, काम करना। हार्ट बनाएंगे आपके लिए, खाना पी बिरयानी, और डॉक्टर भी बनोगी ना? हाँ, सबको सुई लगाओगी ना? हाँ। हेलो गाइस, देखिए मम्मी को देखिए क्या कर ली काम, देखिए आज मेरी छुट्टी है। छुट्टी है? हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? मैं अच्छी स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छे स्कूल में? हाँ। वो कहाँ पे है? वो दूर है मेरे, नाटक है। हेलो गाइस, अच्छे वीडियो अच्छा लाइक कर दो, बाय। गाइस देखिए बारिश हो रहा है, रुकिए मैं आपको, ये देखिए धूप था, अचानक से इतना तेज बारिश आ गया है। देखिए छोटा छोटा जो मैंगो है वो किस तरह से हिल रहा है, देखिए गाइस, ये हम लोग बचपन से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखना, ये जब बारिश होता है तो कीचड़ से भर जाता है रास्ता पूरा, आप देखिए इस बारिश में हम लोग कितना भीगे थे बचपन में, आप भीगने का मन नहीं करता, आप भीगने से ठंडा लग जाता है। कभी कभी एक साथ खेलते हैं तो देख के अच्छा लगता है यार, कभी कभी झगड़ा करता है तो देखे दोनों मार खाता है मेरा हाथ से। तो अभी शाम हो गया है और मेरी अम्मी कुछ बना रही सर, सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम सूजी, और उसे तेल में अच्छे से,
चावल आटा का रोटी वीडियो। अभी हमने चाय पी लिया है और अभी मैं बना रही हूँ चिकन आलू का कोरमा। तो चलिए देखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया है, यहाँ का और ये प्याज और ये चिकन। पहले प्याज को तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था है ना, प्याज को लाल कर लेंगे, आलू को भी लाल कर लेते हैं थोड़ा सा। खुद्दी में बना लेंगे चिकन आलू का कोरमा। देख सकते हैं आलू आप थोड़ा सा लाल करेंगे, उसके बाद आलू को भी निकाल लेंगे और यहाँ पर प्याज लाल करके रख दिया है, चिकन भी धो के रख दिया है। भाभी मेरा आधा काम कर दी गई है, अब मैं आधा के पकाने से जल्दी गल जाता है। इसका नाम है नुसरत। तो हाय बोलो। ये गई थी नानी घर, कैसा लगा तुमको अपना नानी घर? अच्छा लगा। कितना दिन के लिए गई थी? 2 दिन ना। खाना बनाने का स्टाइल देख रही है ना। सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद है। तो अभी मैं आलू को निकाल लूंगी। तो मैंने चिकन को भी डाल दिया है, चिकन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक अदरक लहसुन डाल दिया, और अभी हल्दी डाल देंगे। सारा मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला दिया है और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है। अब तो एक टोमेटो काट के मैंने रख दिया था, उसको भी डाल दिया है और अच्छे से चला देंगे। और जो मैंने प्याज और आलू फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे अच्छे से। ये यहाँ का स्टाइल है गाइस। अब इसमें पानी डाल के 10 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो ये जो है हमारा सालन रेडी हो गया है, देख सकते हो आलू भी गल गया अच्छे से। और ये जल्दी जल्दी में बनाया, तेल थोड़ा सा कम डाला। ये हमारा चिकन आलू का कोरमा रेडी हो गया है चावल आटा का रोटी के साथ खाने के लिए। गाइस देखिए बिल्ली मेरे पैर को पूछ के रही है। अपनी नाव जल्दी आओ, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्ली बैठा हुआ है ना। रात में हम सोए थे तो बहुत रात में देखा मेरा पैर के पास सोया हुआ है बिल्ली, तो पता चला वो खिड़की से आ गया था तो आके मेरे पास सो गया था। अभी आपके पेट के ऊपर भी सो गया था? नहीं, मेरा पैर के पास सो गया था परसों। मम्मी कल माओ है माओ म्याओ मम्मी देखिए मारना नहीं, म्याऊ ऐसे करता है। कैसे करता है? देखो 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 मम्मी भाग रहा है, भाग रहा है। इतना अच्छा लगता। आओ इधर आओ, अरे हर कोई खा लेगा। अभी रात के 11 बज गए हैं और हमने खाना खा लिया है, अभी सोने जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना सबके साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
बाय 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 बाय, किस दे दो तो?